इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है. ऐसा मैं ये कहूँ कि आज अब इस पिक्चर के बाद मैं कुछ बड़े झंडे गाड़ दूंगा हॉलीवुड में, ऐसा नहीं होता. आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्राइमरीली एन इंडियन एक्टर एंड हु वंस इन अ वाइल गॉट अ चांस लकी टू बी वर्किंग विद एंग ली इन लस्ट कॉशन, टू बी वर्किंग विद वुडी एलन. आई हैड वन सीन ईच. दिस इज अ लिटिल बिगर रोल. लकीली दिस वॉज अ रोल इन द बुक रिटन बाय मैथ्यू क्विक. But I will still have to go through auditions, which is fine. That's the way they work. I already did an audition day before yesterday in my office and sent them the tape. So I was happy to be part of a film like Bend It Like Beckham. But I don't think you can strategize ki ab main agli 6 filmein jo hain unki mere bagair nahi banengi. Oh, from similar kind of movie from me, I will pray that every Hollywood director takes me in their next film. I'll be very thrilled about that. पहले तो मैंने अपने साथ प्रेम प्रॉब्लम फेस की कि मुझे अंग्रेजी में सोचता नहीं मैं, और बट जिस दिन मुझे ये सीन करना था मैं उससे एक दिन पहले कमरे में बैठा रहा, सोचता रहा इसको ऐसे हाथ करूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा, और एक ही सीन करना था उसके दिन. उसके बाद एक दिन की छुट्टी थी, फिर दूसरा सीन करना था, फिर एक दिन की छुट्टी थी, फिर तीसरा सीन करना था. मगर जब मैंने और ब्रैडली कूपर ने वो सीन किया, सडनली डायरेक्टर डेविड रसल आके बोलते हैं लेट्स डू ऑल द सीन्स टुगेदर टुडे इटसेल्फ. तो आई वेंट इन टू हाफ कोमा बिकॉज मुझे लगा मैंने तो तैयार ही नहीं किए हैं. मैंने कहा सर आई एम नॉट रेडी. ही सेड डोंट वरी यू जस्ट डन दिस सीन, नाउ लेट्स डू द अदर थ्री सीन्स. सो दैट आई थिंक वाज अ चैलेंज.